रास बिहारी को कल जन्मोत्सव है और सब पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं कल अपने इष्ट को जन्मोत्सव सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और हम ब्रजवासी तो कल के दिन को बहुत बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि अपना लाला को जन्मोत्सव आवे हो तो सब बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पधार रहे हैं, वो भी हमारे लाला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सभी देशवासी विश्व में जहाँ भी हमारे कृष्ण के भक्त हैं वो सब अपने घरों पर रात्रि को 12 बजे घंटा घड़ियाल शंख के साथ हमारे लाला के जन्म उत्सव में सब लोग सहभागी होंगे। कैसे बनाने की तैयारी की गई? देखिए, हम सब ब्रजवासी अपने ब्रजवासी प्रदेशवासी अपने लाला के जन्मोत्सव पर सब लोग अपने घरों की सजावट कर रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि आज उत्तर प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है तो हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं वहाँ जिस तरह से हम दीपोत्सव का कार्यक्रम अपने काशी में करते हैं और दीपावली हम लोग अयोध्या में मनाते हैं और होली हम लोग यहाँ ब्रज में खेलते हैं, तो हमारे कृष्ण का कल जन्मोत्सव है। हर्षोल्लास से सब ब्रजवासी अपना उत्सव मना रहे हैं। हम सरकार बहुत बड़े स्तर पर सहभागिता है सरकार की भी, आप देख रहे हैं पूरा ब्रज पूरी तरह से सजा हुआ है और अपने लाला के जन्मोत्सव का कल का इंतजार कर रहा है। सब हम सब ब्रजवासी अपने घरों पर अपने इष्ट का सब लोग अभिषेक भी करेंगे, प्रसाद का वितरण भी करेंगे। यहाँ पर भी जैसे भव्य उत्सव रहता है उसमें जो भगवान कृष्ण का जो अभिषेक होता है वो भी कार्यक्रम रहेगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री हरिचंद्र का पोशाक धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे और भगवान के ऐसे मनोहारी रूप के जो दर्शन हैं वो निश्चित रूप से मनोरम और नैना विराम होंगे। कपिल जी, अगर बात करें तो कल सुबह से भगवान के मंगल आरती हुई, जन्मोत्सव है, किस विधि विधान से भगवान का पूरा दिन चल रहा है? क्या भगवान का कल प्राकट्य दिवस के दिन प्रातः 6 बजे मंगला आरती के साथ भगवान के दर्शन खुलेंगे जो अनवरत रात्रि 1:30 तक खुले रहेंगे। प्रातः 10 बजे श्री भागवत भवन मंदिर प्रांगण में पुष्पांजलि कार्यक्रम है। तदुपरांत पूज्य योगी जी महाराज लगभग 5 बजे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का जो मुख्य संकल्प है धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा वह श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में लेंगे। तदुपरांत मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन होगा, भगवान का आह्वान होगा। रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट होगा और प्राकट के साथ ही प्राकट आरती शुरू हो जाएगी। प्राकट आरती के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह बाहर अभिषेक मंच पर पधारेंगे जहां पर रजत स्वर्ण मंडित रजत काम धेनु गाय अपने पयोधर अपने दूध से भगवान का प्रथम अभिषेक करेंगे। तदुपरांत भगवान रजत कमल पुष्प में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधराए जाएंगे, विराजे जाएंगे और भगवान का दूध दही घी शहद बूरा आदि पंचामृत के साथ साथ अन्य दिव्य औषधियों केसर और सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया जाएगा। भगवान का ये जो स्नान आदि जो महास्नान आदि जो महाअभिषेक का कार्यक्रम है ये रात्रि लगभग 12:40 तक चलेगा। 12:40 पर ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होगी। तदुपरांत 1:30 पर सेन आरती के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पट बंद कर दिए जाएंगे।